बड़ी खबर के साथ ज्ञानवापी विवाद पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई। वाराणसी की सिविल कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर दायर नई याचिका पर सुनवाई होगी। शिवलिंग के रोजाना दर्शन और पूजन की मांग, याचिका में परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग, परिसर में मुस्लिम पक्ष की एंट्री रोकने की भी मांग की गई है। तो आज ये सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी विवाद पर आज सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी की सिविल कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी पर दायर नई याचिका पर ये सुनवाई होगी और जो याचिका लगाई गई है वो है कि शिवलिंग के रोजाना दर्शन हो, पूजन हो। याचिका में परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। परिसर में मुस्लिम पक्ष की एंट्री रोकने की भी मांग की गई है। लेकिन अब कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला देता है या क्या आगे डेट दी जाती है, सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। क्योंकि नई याचिका ये लगाई गई है, क्योंकि कहा यह गया कि जब वीडियोग्राफी की गई, जब टीम वहां पर पहुंची तो देखा कि शिवलिंग कुछ है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से ये कहा गया कि फव्वारा है, लेकिन जब रिपोर्ट बनाई गई, वीडियोग्राफी दिखाई गई तो वो चीज़ें साफ ये होने लगी कि वहां पर शिवलिंग है। और उसके बाद अब जो है नई याचिका लगाई है और नई याचिका उसमें कहा गया है कि शिवलिंग के रोजाना दर्शन हो, पूजन की मांग यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो परिसर जहाँ पर शिवलिंग मिला है वहां पर हिंदुओं को सौंपने की मांग उस परिसर को की गई है और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की एंट्री रोकने की भी मांग की गई है। लेकिन ये पूरा मामला जब से शुरू हुआ उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर बढ़ा दी गई है, जो पुलिस है वो वहां पर मौजूद है। और अब क्योंकि जब पहले कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचे थे, टीम सर्वे के लिए पहुंची थी, उस दौरान वहां पर रोका पहले गया था। उसके बाद जब कोर्ट में ये बात गई तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर सर्वे का काम रुके नहीं, सर्वे हो, वीडियोग्राफी हो। उसके बाद एक बार फिर से सर्वे टीम पहुंची और वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई। 2 दिन का समय मांगा गया कोर्ट से कि जो रिपोर्ट है उसे बनाने में समय लगेगा और इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। उसके बाद तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आने लगी, अलग अलग देवी देवताओं की वहाँ पर तस्वीरें सामने आने लगी, शिवलिंग की बात वहाँ पर कही जाने लगी। जो कलाकृतियाँ थी, जो जो कमल का फूल है या अलग अलग देवियों के, देवताओं के चित्र जो हैं उनको लेकर भी कहा गया कि यहाँ पर ये बने हुए हैं और इसीलिए इसको लेकर अब जो सुनवाई है जल्द से जल्द होनी चाहिए, फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। हालांकि जब रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद जो मामला है वो आगे बढ़ा और अब नई याचिका जो है उस पर अब सुनवाई आज होनी है। ज्ञानेंद्र शुक्ला यूपी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आज नई याचिका पर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से यहाँ पर ये जो एक नई याचिका है, क्योंकि 2 मूल मामलों में पहले कोर्ट में अब पहले एक हो रही थी सुनवाई चंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए, अब 2 मामले हो गए। सिविल कोर्ट में किरण सिंह बिसेन है जिन्होंने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की बाद मित्र के रूप में याचिका दायर की है और इस याचिका में आज इसकी 2 बजे सुनवाई होगी। और इस याचिका में उन्होंने ज्ञानवापी पूरे परिसर को ही हिंदुओं को देने की मांग की है, इसके साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी मांग की है। तो अदालत ने ये याचिका स्वीकार कर ली, ये आज इस पर सुनवाई की जाएगी। यानी अब एक के बजाय 2 मामलों में सुनवाई होगी, जहाँ पर पहली सुनवाई जो होगी वो राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की चंगार गौरी में जो पूजा अर्चना को लेकर है और ये दूसरी जो ये सुनवाई होगी यहाँ पर जिसमें किरण सिंह ने बिसेन ने जो दायर की है, वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री है। तो इन दोनों याचिकाओं पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें ही इसके बाद तय हुआ होगा कि ये 2 जो मूल वाद है इनको लेकर अदालत में क्या रुख है। अच्छा ज्ञानेंद्र जी, इसमें कुछ जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से भी कुछ रखा गया है अपना पक्ष? देखिए, अब आज ये मामला जाएगा तो उसके बाद फिर ये, क्योंकि वाराणसी की जिला अदालत में तो ये पूरे मामले की सुनवाई हो रही, वहाँ पर तो वादी और पटवादी यानी जो श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की अनुमति की बात की गई है उसको, उसमें जो सर्वे रिपोर्ट और वो बाकी उनकी वीडियोग्राफी की भी जानकारी जो दी गई है उस पर अदालत में सुनवाई करेगी। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरी जो याचिका ये बात है इसकी पोषणीयता पर ही सवाल उठाया गया है, उसे ही खारिज करने की मांग की गई है, तो ये भी जिला जज की अदालत सुनवाई करेगी। लेकिन ये जो 2 मामले हैं जो आज जिसमें सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी वो ये किरण सिंह बिसेन की याचिका है जो वैदिक सनातन संघ की है जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग की। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी जानकारी के लिए।